मेरा माइंड ये कहता है कि अगर आप डायरेक्टली आप अप्लाई करते हैं ना टीआरपी कार्ड, तो चांसेस ये ज़्यादा हैं कि आपको ये एक्सेप्ट कर लेंगे, क्योंकि जो अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आज का व्लॉग जो है वो इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि जिस तरह से मैंने आपको प्रीवियसली अपने पुराने वाले व्लॉग में बताया था कि जो आप लिथुएनिया का जिस तरह से आप वीज़ा एप्लीकेशन वगैरह का जो प्रोसीजर लेके चलते थे, उसको अब यहाँ की गवर्नमेंट ने जो है वो चेंज किया है कुछ हद तक, ठीक है, या ऐसा कहा जाए कि कम्प्लीटली चेंज कर दिया तो भी गलत नहीं है। उसकी वजह ये है कि जिस तरह आप पहले मैंने आपको अपनी पुरानी वीडियोस में बताया हुआ है, जो मैंने पहले वीडियोस बताई थी कि अगर आपने लिथुएनिया में स्टडी के लिए आना है तो आप क्या करते थे, आप अपना जो है नेशनल डी वीज़ा अप्लाई करते थे, ठीक है, उसके लिए आपको जाना होता था पाकिस्तान से बाहर किसी दूसरी कंट्री में। खैर ये जो फैक्टर है ये सेम ही है, अभी भी आपको बाहर जाना पड़ेगा, ठीक है, लेकिन चेंजिंग जो आई है वो मैं आपको बताऊंगा। एक इन्होंने इम्पोर्टेंट जो है एक स्टेप लिया है, जिसके अंदर आपको न्यू रूल के मुताबिक आपको नेशनल डी वीज़ा लेने की ज़रूरत नहीं है लिथुएनिया में आने के लिए, ठीक है, उसके लिए आप डायरेक्ट जो है टेम्परेरी रेजिडेंस परमिट, जो कि स्टूडेंट्स के लिए इशू होता है, जिसको आप आईडी कार्ड कह सकते हैं बेसिकली, जो टेम्परेरी होता है, ठीक है, 2 साल के लिए बनता है, जो जिन लोगों की डिग्री 2 साल या उससे ज़्यादा की है तो वो आप ले सकते हैं, ठीक है, डायरेक्टली। मतलब कि अब जब आप VFS ग्लोबल के ऑफिस में जाएंगे, बाय द वे यहाँ पे मैं आपको रिमाइंड करवाता हूँ, अगर आपने मेरी पहले वाली जो है वो वीडियोस नहीं देखी हुई, मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि पहले वो देखें ताकि आपको ये जो मैं बात करने वाला हूँ ये समझ आए प्रॉपर तरीके से। अगर आप नहीं देखेंगे तो हो सकता है कि आपको समझ नहीं आए कि मैं किस क्या बात कर रहा हूँ, ठीक है। अब इन्होंने क्या किया है, मैंने अपने पास नोट डाउन कर लिया ताकि कोई चीज़ आपको डॉक्यूमेंट वगैरह गलत ना मैं बताऊँ। उसमें उन्होंने क्या चेंजिंग की है, पहले आप जाते थे VFS ग्लोबल के ऑफिस में, ठीक है, वहाँ जाके आप अपना नेशनल वीज़ा डी के डॉक्यूमेंट जितने भी हैं वो सबमिट करते थे, कंसिडरिंग कि आपके पास ऑलरेडी एक्सेप्टेंस वगैरह हर चीज़ है यूनिवर्सिटी से, तो वो आप 1 महीना 15 दिन 1.5 महीना 2 महीने वेट करने के बाद आपको वीज़ा मिल जाता था, ठीक है। अब चेंजिंग ये है कि अब आपने नेशनल डी वीज़ा की बजाय आपने टेम्परेरी रेजिडेंस परमिट अप्लाई करना है लिथुएनिया का, जो कि स्टूडेंट्स के लिए होता है, ठीक है। टेम्परेरी रेजिडेंस परमिट 2 3 4 किस्म के हैं, ठीक है, उनमें एक आ जाता है जो स्टूडेंट्स के लिए है, दूसरा जो वर्क वीज़े के लिए जो लोग आते हैं यहाँ से वर्क कॉन्ट्रैक्ट वगैरह लेके किसी कंपनी से और उसके थ्रू आते हैं, दूसरा वो होता है, तीसरा जो है वो जो लोग फ्रीलांसर्स हैं, ठीक है, या इंडिविजुअल एक्टिविटी आप उसको कह सकते हैं उसके लिए जो आते हैं, या अपना बिजनेस पांच चौथा वो जो आप बिजनेस वगैरह अपना सेट कर सकते हैं, तो ये 4 5 कैटेगरीज हैं इनकी ना। तो आप ऑब्वियसली स्टूडेंट हैं तो आपको स्टडी वाला जो टेम्परेरी रेजिडेंस परमिट है उसके लिहाज से मैं आप गाइड करूँगा। अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं वर्क वाले और बाकी परमिट्स के वाले से भी आपको बताऊँ तो वो आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं, अगर मुझे लगेगा कि उसकी ज़्यादा ऑडियंस है तो फिर मैं उससे रिलेटेड भी जो है कोशिश करूँगा कि वीडियो वगैरह कोई बना दूँ, या मैं किसी ऐसे बंदे को जो है वो इंटरव्यू करूँगा जो ऑलरेडी यहाँ पे वर्क परमिट पे है, जिनको मैं जानता हूँ। अब आपको मैं बताता हूँ, सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने अपना यूनिवर्सिटी से, लेट से हम सपोज कर लेते हैं आपको एक्सेप्टेंस लेटर मिल गया हुआ है इस पॉइंट पे जो मैं वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। अब आपने अपना स्टडी का परमिट लेना है, ठीक है, जिसको हम टेम्परेरी रेजिडेंस परमिट भी कह सकते हैं। तो उसके लिए अब मैं आपको डॉक्यूमेंट्स बताने वाला हूँ, डॉक्यूमेंट्स ज़्यादा चेंज नहीं है, सेम ही है तकरीबन, एक आधे डॉक्यूमेंट दो डॉक्यूमेंट का फ़र्क है वो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। तो ये आप अपने पास नोट डाउन कर लें, क्योंकि मोस्टली जो है आप लोग वही क्वेश्चन बार 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 कमेंट्स में पूछ रहे होते हैं जो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, ठीक है, इसलिए मैं आपको कहता हूँ कि वीडियो को आप एंड तक देखेंगे आपको समझ आएगी मैं क्या बात कर रहा हूँ। पहले नंबर पे आपका आ गया ट्रैवल डॉक्यूमेंट, जो आपका पासपोर्ट है ऑब्वियसली, ठीक है, उसके बाद आपकी हेल्थ इंश्योरेंस, ठीक है। अब हेल्थ इंश्योरेंस में बार बार मुझसे लोग पूछ रहे होते हैं, हेल्थ इंश्योरेंस बेसिकली आपने करवानी होती है मिनिमम 30,000 यूरो की, जिसके अंदर कवरेज हो, ठीक है, और वो पाकिस्तान से आप बआसानी बना सकते हैं, मैं कॉन्टैक्ट डिटेल्स दे दूंगा, आप चाहें उनसे बनवा लें जिनसे मैंने बनवाई थी, ठीक है, या चाहे आप जिससे मर्जी भी कंपनी से बनवाना चाहें वो आप हेल्थ इंश्योरेंस एक बना लें, ठीक है। उसके बाद तीसरे नंबर पे आपको प्रूफ ऑफ फंड्स चाहिए। अब प्रूफ ऑफ फंड्स में
जो है मेनली आप अपनी बैंक स्टेटमेंट शो करते हैं, ठीक है। अब बैंक स्टेटमेंट के रिलेटेड भी मुझे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं कि बैंक स्टेटमेंट कितने की हो, कितने मंथ्स पुरानी हो। इसका मैं बार बार अपनी वीडियोस में आपको बता चुका हूँ कि बैंक स्टेटमेंट जो आपको चाहिए वो सिर्फ और सिर्फ 3 मंथ्स की बैंक स्टेटमेंट जो है वो आपकी एक्सेप्टेबल होती है, ठीक है। 6 मंथ्स की आप देंगे आपका केस स्ट्रॉन्ग रहेगा, लेकिन मिनिमम मिनिमम आपने 3 मंथ्स की देनी ही देनी है, ठीक हो गया। वो अपने आपने 3 मंथ्स का जो रिकॉर्ड है वो निकाल के उनको देना है। उसके अंदर आप कोशिश करें थोड़ी बहुत आपने फेक ट्रांजेक्शन नहीं करनी, जो रियलिटी में आपकी ट्रांजेक्शन हैं वो आप निकालेंगे तो वो हो जाएगा। और बैंक स्टेटमेंट कितनी होनी चाहिए, इसका मैंने आपको पहले भी अपनी वीडियो में एक फॉर्मूला बताया था कि इसके अंदर आप अपने इंक्लूड करें कि आपने 1 साल के जो अपने एक्सपेंस है ना वो सारे शो करने हैं। अब 1 साल के अंदर लेट से आपकी ट्यूशन फी है पहले नंबर पे आ गई 1 साल की, लेट से मेरी थी जब मैं आया था तो 3,000 थी, ठीक है। अब 3,000 मेरी ट्यूशन फीस होगी, उसके बाद लेट से मेरा 10 लगा लो, या नहीं 10 नहीं खैर लगा लो कि 7-1,000 मेरा या 6,000 एक साल के लिविंग का लगा लो मिनिमम वेज के लिहाज से लिथुएनिया में, ठीक है। तो कितना हो गया लेट से कि आपका 8-10-10-1,000 के करीब आपका 9-10,000 के यूरो के करीब आपकी बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए, जो कि पाकिस्तानी बन गए 18,20,25,00,000 इसके आसपास अगर आपकी बैंक स्टेटमेंट है तो आप सेफ साइड में हैं, इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक हो गया। स्टेटमेंट आपकी क्लियर होगी, उसके बाद जो आपको डॉक्यूमेंट चाहिए वो है आपकी जो ये अब नया डॉक्यूमेंट है, इसमें आपको चाहिए प्लेस ऑफ रेजिडेंस का जो है वो प्रूफ, नहीं ये पुराना ही है वो मैं आपको बताता हूँ जो नया। प्लेस ऑफ रेजिडेंस का प्रूफ बेसिकली आप अपनी डॉर्मेट्री से ले सकते हैं, ये मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है। जिस भी यूनिवर्सिटी में आप आ रहे हैं उसके ऑनलाइन पोर्टल पे जाके आप अपना रूम बुक कर सकते हैं डॉर्मेट्री में, ठीक है। वो सबसे सस्ता पड़ता है आपको, स्टूडेंट हैं जाहिर सी बात है, तो वो आपने वो यूनिवर्सिटी आपको एग्रीमेंट एक देती है, साइन करते हैं जब आप कि ये स्टूडेंट जो है हमारे पास रहेगा हमारी डॉर्मेट्री में, तो वो आपको एक डॉक्यूमेंट दे देते हैं, एग्रीमेंट डॉक्यूमेंट उसको कहते हैं अकोमोडेशन का, वो आपने साथ अटैच करना है, ठीक हो गया। उसके बाद सर आपने लगाना है अपना 5वें नंबर पे आपने अपना कैरेक्टर सर्टिफिकेट, मोस्ट इम्पोर्टेंट। अब कैरेक्टर सर्टिफिकेट जो है वो आपने कोशिश करनी है कि आपने बिल्कुल एंड पे बनाना है, ठीक है। जब आप बिल्कुल जा रहे हैं ना लेट से कि आप बिल्कुल निकलने लगे हैं, 3-4 दिन बाद आपकी फ्लाइट है, उस दिन आपने जाके तो कोई सोर्सेज वगैरह लड़ा के उस टाइम पे जिस तरह भी आप बना सकते हैं जल्दी जल्दी में आपने बनाना है, ठीक है। उसकी मैं आपको रीज़न बताता हूँ क्यों, उसकी रीज़न ये है कि ये जो सर्टिफिकेट है ना ये मोस्टली आपका 1 मंथ से अगर ज़्यादा ओल्ड हो जाए ना तो वो एक्सेप्टेबल नहीं होता, ठीक है। मतलब कि 1 महीने से उसकी ड्यूरेशन ज़्यादा नहीं होनी चाहिए इशू डेट से लेकर जब आप सबमिट कर रहे हैं उनके दायरे में। ये आ गया आपके पास करेक्टर सर्टिफिकेट। उसके बाद आप अपना मीडिएशन कोड जो आपको यूनिवर्सिटी ने दिया होगा ऑब्वियसली वो मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है, एक वो आ गया। 7वें नंबर पे आपका आ गया एक्सेप्टेंस लेटर, ठीक है। ये डॉक्यूमेंट्स हो गए मेनली जो आपने जब आप अपनी TRP अप्लाई करेंगे वो देने हैं। अब मैं आपको बताता हूँ डिफरेंस कहाँ पे आया। पहले आप जाते थे VFS ग्लोबल के ऑफिस में, ठीक है, वहाँ पे जाके आप नेशनल वीज़ा D की एप्लीकेशन देते थे। अब चेंज हो गया, अब मैंने डिस्क्रिप्शन में आपको दे दिया हुआ लिंक, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं, शो मोर पे क्लिक करेंगे तो ओपन हो जाएगी डिस्क्रिप्शन, वहाँ पे आप देखेंगे तो मैंने आपको लिंक दिया हुआ होगा। उस लिंक के अंदर आपने जाके माइग्रेस की, वो बेसिकली माइग्रेस की वेबसाइट का लिंक है, माइग्रेस कहते हैं माइग्रेशन का जो डिपार्टमेंट है ना लिथुएनिया का, जो ये माइग्रेशन से रिलेटेड इशूज़ को डील करता है, उनके इदारे का वो जो है ना वेबसाइट है, वहाँ पे आपने जाना है। वहाँ पे जाके आपने एप्लीकेशन फॉर्म होगा ऑनलाइन, ठीक है। सबसे पहला स्टेप आपका ये है, वो एप्लीकेशन फॉर्म आपने फिल करना है, ठीक हो गया। वो जब आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल करेंगे बेसिकली अपना पर्सनल कुछ लंबा चौड़ी बात नहीं, अगर आपको कुछ समझ ना आए तो मैंने अगेन मैं बता रहा हूँ मैंने ये किस तरह से आपने फिल करना है, ये मैंने ऑलरेडी मैंने अपनी वीडियो के अंदर कवर किया हुआ है। टेम्प्रेरी रेजिडेंस परमिट वाली जो मेरी वीडियो है ना वो आप देखेंगे, मैंने स्टेप बाय स्टेप आपको कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर शो किया था कि किस तरह से आपने वो अप्लाई करना होता है, एप्लीकेशन फॉर्म वो फिल करना है, वो आप मेरी वीडियोस देखें वो वाली, वो आप फॉलो करेंगे आपको समझ आ जाएगी किस तरह से फिल करना है। लेट्स से हम कंसीडर कर लेते हैं कि आपने फिल कर लिया हुआ है वो फॉर्म। जब आप वो फॉर्म फिल करेंगे आपने एक ख्याल करना है, लास्ट स्टेप में उस वीडियो के
मैंने सेलेक्ट की होगी प्लेस ऑफ कलेक्शन या पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट जो है मैंने लिथुएनिया के अंदर सेलेक्ट किया। आपने जो ऑप्शन सेलेक्ट करना है एंड पे बिल्कुल देगा वो आपको, वो आपने सेलेक्ट करना है अप्लाइंग थ्रू एन एक्सटर्नल बॉडी या एक्सटर्नल एजेंट। ठीक है, अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि आप डायरेक्टली माइग्रेशन ऑफिस के अंदर अपेयर नहीं होंगे, क्योंकि ऑब्वियसली आप हो ही नहीं सकते, आप लिथुएनिया में नहीं हैं, आप टर्की में हैं, लेट्स से हम सपोज कर रहे हैं, या यूएई में हैं, ठीक है, या अजरबैजान में हैं, तो आप डायरेक्टली लिथुएनिया आके तो अपेयर नहीं ना होके डॉक्यूमेंट अपने सबमिट कर सकते। तो आप एक्सटर्नल जो बॉडी है जिसको उनके माइग्रेशन डिपार्टमेंट ने चूज़ किया हुआ होता है, जैसे VFS है, अब आप VFS के थ्रू एप्लीकेशन दे रहे हैं, तो वहाँ पे आप अपना ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे कि अप्लाइंग थ्रू एन एक्सटर्नल बॉडी। ठीक है, उसके अंदर जो आप जाएंगे वो वाला ऑप्शन सेलेक्ट करके आप उसको सबमिट कर देंगे फॉर्म को, और उस फॉर्म के अंदर ये सब डॉक्यूमेंट्स आपने सॉफ्ट कॉपी के अंदर अटैच करने हैं। वो आपसे पूछेगा एंड पे, वो आपने सारे अपलोड कर देने हैं वहाँ पे PDF फॉर्मेट्स के अंदर, और वेल स्कैंड होने चाहिए आपके डॉक्यूमेंट्स। उसके बाद जब आप सबमिट करेंगे ना, तो आपको मिलेगा एक माइग्रेस का एप्लीकेशन नंबर कह लें आप, ठीक है, वो आपको इशू हो जाएगा। वो नंबर आपने संभाल के रखना है, वो आप वैसे तो आपको ईमेल में के थ्रू भी वो नंबर दे देगा, लेकिन वो नंबर आपने अपने पास सही तरह से नोट डाउन कर लेना है, उसको संभाल लेना है, क्योंकि वो नंबर, अब इसको आप कंटिन्यू कर रहा हूँ मैं, अब लेट से हमने सपोज किया कि आप ऑलरेडी इस जो एप्लीकेशन प्रोसेस है या जो फॉर्म फिलिंग का प्रोसेस है वो आपने सबमिट कर दिया, आपको माइग्रेस से एप्लीकेशन नंबर मिल गया। अब वो जो एप्लीकेशन नंबर है वो लेके, और ये सब डॉक्यूमेंट जो मैंने अभी आपको बताए हैं, और इसके अलावा जो एडिशनल डॉक्यूमेंट्स हैं, अगेन मैं कह रहा हूँ वो वाली डॉक्यूमेंट वाली मेरी वीडियो देखें, अगर मैं इसके अंदर वो सब डिस्कस करूँगा तो वीडियो काफ़ी लेंथी हो जाएगी, वो मैं इसको लेंथी नहीं करना चाह रहा, मैं चाह रहा हूँ 10 से 15 मिनट में आपको सारी बात समझ आ जाए। ठीक है, वो वीडियो देखें, वहाँ से भी बाकी के ये डॉक्यूमेंट्स और कुछ एक दो चार डॉक्यूमेंट और हैं वो आप वहाँ से देखेंगे, आपको समझ आ जाएगी। वो वाले लेके आपने चले जाना है VFS ग्लोबल के ऑफिस में, लेट से आप UAE में जा रहे हैं, अजरबैजान जा रहे हैं, इजिप्ट में जा रहे हैं, टर्की में जा रहे हैं, कहीं पे से भी आप अप्लाई कर रहे हैं, उसके माइग्रेशन ऑफिस में आपने ले जाना है, और मैं सपोज कर रहा हूँ कि आपने अपॉइंटमेंट पहले से माइग्रेशन ऑफिस की बुक कर ली थी। ठीक है, वो अपॉइंटमेंट आपने ली, आप चले गए, अपॉइंटमेंट कैसे बुक करनी है इसकी भी वीडियो ऑलरेडी मैंने बनाई हुई है VFS ग्लोबल के ऑफिस में। अब आप वो ले के जब जाएंगे, उसके बाद ये सब डॉक्यूमेंट आपको उनको दे देंगे हार्ड कॉपी के अंदर अपॉइंटमेंट वाले दिन। ठीक है, आप ये सब डॉक्यूमेंट उनको फिजिक जो आपने उस टाइम पे पोर्टल में अपलोड किए थे माइग्रेस के, ये सब डॉक्यूमेंट्स आप उनको आप फिजिकली देंगे। उसके बाद VFS ग्लोबल वाले माइग्रेस के बेस पे आपके फिंगरप्रिंट्स वगैरह या वो जो भी उन्होंने आपके बायोमेट्रिक्स कलेक्ट करने होते हैं वो आपके कलेक्ट करेंगे। ठीक है, वहाँ पे आप अपनी एप्लीकेशन फ़ी पे करेंगे। ठीक है, एप्लीकेशन फ़ी होती है तकरीबन 120 यूरोस। ठीक है, वो नॉर्मल नॉर्मल ऑर्डर होता है जो आपको 3 मंथ्स के अंदर आपकी TRP इशू होगी, और अगर आप अर्जेंटली करना चाहें तो मेरे ख्याल 240 यूरोज है जो मैंने रिसेंटली रीन्यू करवाया था, तो 240 यूरो या तो आप वो दे के उसके अंदर वो आपको 1 मंथ के अंदर आपका ऑर्डर प्रोसेस करेंगे, और 1 मंथ के अंदर आपको TRP रिसीव हो जाती है इन केस अगर आपको एक्सेप्ट हो गई है वो एप्लीकेशन आपकी। तो ये आप अपना जो है ना वहाँ पे फिजिकली सबमिट कर देंगे। जब आप फिजिकली सबमिट कर देंगे, अब डिपेंडिंग अपॉन के आपकी क्लासेस कब स्टार्ट हो रही हैं और आपने कौन सा वाला ऑर्डर किया था, आपने नॉर्मल ऑर्डर सबमिट किया था या अर्जेंट ऑर्डर, अगर तो नॉर्मल आपने किया था तो 2 से 3 महीने के अंदर अंदर आपको आपकी TRP मिल जाएगी। ठीक है, या तो वह आप अप्लाई करके वापस आ सकते हैं अपनी कंट्री में, और जो VFS वाले हैं वो आपकी कंट्री में, जैसे आप पाकिस्तान वापस आ गए हो, आपको वापस वहीं पे TRP आपका जो कार्ड है वो शिप कर देंगे। या दूसरा केस ये होता है कि वो आपसे कहेंगे कि आपने वहीं स्टे करना है जब तक आपको डिसीजन नहीं आ जाता, इन केस आप एक्सेप्ट होते हैं तो वहीं पे आपको फिजिकली उनके ऑफिस में दोबारा से अपॉइंटमेंट लेके जाना पड़ेगा कलेक्ट करने के लिए अपना डॉक्यूमेंट। ठीक है, और जैसे ही आपको डॉक्यूमेंट मिलेगा वो डॉक्यूमेंट लेके वो इनफ है, उसके ऊपर आप ट्रैवल कर सकते हैं टर्की से लिथुएनिया या जहाँ पे भी आप जाना चाहें। तो ये प्रोसेस में चेंजिंग आई थी, इसके अंदर जो है बहुत सारे लोग मेरे से पूछ भी रहे थे इंस्टा वगैरह पे कि ये जो प्रोसेस चेंज हुआ है इसके रिगार्डिंग मैं अपडेट करूँ, तो मैंने सोचा एक छोटी सी वीडियो बना के आप लोगों को बताया जाए। तो ये इस तरह से जो है इन्होंने थोड़ी सी चेंजिंग किया, लेकिन इसके अंदर मैं आपको एक बात ऐड कर दूँ कि ऐसा मुझे लगता है, हो सकता है मैं गलत भी हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि अब जो इनका वीज़ा का रिजेक्शन रेट है, वीज़ा तो क्योंकि आप अप्लाई नहीं कर रहे फर्स्टली, हाँ एक बात मैं और चलें याद आ गई, अगर आप वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं वो भी अभी आप कर सकते हैं,
नेशनल डी वीज़ा, ठीक है, जिस तरह मैंने आपको पहले से बताया हुआ, अगर आप उस प्रोसेस के थ्रू आना चाहते हैं वो भी आप कर सकते हैं। नेशनल डी वीज़ा ले एम्बेसी से, और उसकी वीडियोज़ मैंने ऑलरेडी बनाई हुई हैं, उसके थ्रू भी आप आ सकते हैं। लेकिन अब नया इन्होंने ये निकाला कि उन्होंने डायरेक्टली आपको TRP लेने का एक्सेस भी दे दिया हुआ। पहले क्या होता था, आप वीज़ा ले के लिथुएनिया आते थे, यहाँ से आके आप TRP अपना कार्ड अप्लाई करते थे यहीं पे दोबारा से माइग्रेस में, फिर आपको मिलता था। अब उन्होंने डायरेक्टली आपको स्टार्टिंग पॉइंट पे ही, अगर आप लेना चाहें तो उन्होंने आपको अलाउ कर दिया कि आप अप्लाई करके अपना TRP कार्ड ले सकते हैं। और मेरा माइंड ये कहता है कि अगर आप डायरेक्टली आप अप्लाई करते हैं ना TRP कार्ड, तो चांसेस ये ज़्यादा हैं कि आपको ये एक्सेप्ट कर लेंगे, क्योंकि जो डिसीजन है एट द एंड ऑफ द डे वो माइग्रेस ऑफिस का होगा, ठीक है, माइग्रेस ऑफिस जो लिथुएनिया में। और मैंने ये देखा कि माइग्रेस ऑफिस मतलब रिजेक्शन इनका नहीं है, मतलब मैंने आज तक कोई बंदा नहीं देखा जिसके डॉक्यूमेंट्स वगैरह सही थे और वैलिड उसका वो था, उसको उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। अम्बेसी जो है वो रिजेक्ट कर सकती है, ठीक है, अम्बेसी के वाले रिजेक्ट कर सकते हैं, लेकिन माइग्रेस वाले भी कर सकते हैं अगर उनको लगे, लेकिन मोस्टली केसेस में इनका रिजेक्शन रेट तकरीबन ना होने के बराबर है, कह लें 10-20% होगा ज़्यादा मैक्सिमम भी। तो ये आप अपना कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि ये वीडियो आपको कुछ ना कुछ जो है सीखने को मिला होगा, और मज़ीद अगर किसी टॉपिक के ऊपर आप चाहते हैं मैं कोई वीडियोज़ वगैरह बनाऊँ तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे रिकमेंड कर सकते हैं टॉपिक, अगर मुझे लगेगा कि और भी लोग उसको टॉपिक में इंटरेस्टेड हैं तो मैं उसके ऊपर ज़रूर एक आपको वीडियो बना के बताऊंगा। और इससे रिलेटेड भी मैं आपको बताऊंगा कि बैंक स्टेटमेंट से रिलेटेड और ये आपने प्रूफ ऑफ ये रेजिडेंस और ये किस तरह से लेने हैं, इनकी मैं सेपरेट से वीडियो बनाऊंगा, ताकि अगर किसी बंदे को मुश्किल हो रही है तो उसको भी समझ आ जाए सही तरीके से, ठीक है। तो चलें, आज की वीडियो के लिए इतना ही काफ़ी है, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग के अंदर। और हाँ, अगर अभी तक आपने चैनल को जो है वो सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो मेक श्योर करें सब्सक्राइब करें, और वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।